बच्चों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए फोनोग्राफ रिकॉर्ड ऑन टर्न टेबल रोटेट्स एट 30 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है, यानी एक मिनट के अंदर कितने रोटेशन है, बेसिकली 30 रोटेशन है एक मिनट के अंदर। द लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन रिकॉर्ड एट द नीडल एट द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर नीडल की बेसिकली टिप है, तो उसकी हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों, इसको इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी और आपके एंगुलर वेलोसिटी के जरिए भी कर सकते हैं, और इसको सिंपल समझने का एक तरीका भी है, मैं आपको बेसिकली डायग्राम से ही समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये सेंटर है ग्रामोफोन का, ओके, ये बेसिकली सेंटर है और ये आपके निडल है। तो कुछ ग्रामोफोन ऐसे होते हैं कि निडल यहां से ऐसे भी लगे, तो बेसिकली निडल का ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये दे रखा है, इट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इट इज 14 सेंटीमीटर, और डिस्क बेसिकली यूं करके रोटेट कर रही है, इधर की तरफ रोटेट कर रही है और ऐसे, ठीक है, तो ऐसे कितने चक्कर लगा लेती है, ये 13 रोटेशन लगा लेती है एक मिनट के अंदर, बात समझ में। तो 13 रोटेशन बेसिकली ये क्या होता है, ये डिस्क ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, तो हमें बेसिकली रोटेशन पर मिनट दे रखा है और हमसे बेसिकली यहां पर इस वाले पॉइंट की या बेसिकली इस पूरी सर्कमफ्रेंस की लीनियर वेलोसिटी हमसे पूछी है, ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली हमें रोटेशन पर मिनट दे रखा है और हमसे मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर वेलोसिटी पूछी है। तो ये बताइए रोटेशन कितने है? इसके 13 रोटेशन है एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर कितने, इसकी जो स्पीड है बेसिकली वो कितनी है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू 30 रोटेशन पर मिनट है, ठीक है, इसको पर सेकंड में करने, अगर एक सेकंड में अगर हमें स्पीड पता करनी हो तो कितनी हो जाएगी, 30 अपॉन 60 रोटेशन पर सेकंड हो जाएगी, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये बेसिकली आधा रोटेशन हो गया पर सेकंड, ओके। तो अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली रोटेट होकर कहां पर आ जा रहा है, बेसिकली आधा दूर चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी इतनी दूरी की, अगर इसका रेडियस बेसिकली कितना दे रखा है आपको, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालें तो कितनी हो जाएगी बच्चों, सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल की कितनी होती है, 2πr होती है, ओके, 2 × π कितना है बच्चों, 22/7, r कितना दे रखा है हमको, r इज 14 सेंटीमीटर, 7 × 14, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में ही स्पीड भी दे रखी है हमें, तो हम इसको बदलते नहीं है, 88 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 88 सेंटीमीटर कितनी देर में बेसिकली आता है, एक रोटेशन पूरा होने के बाद 88 सेंटीमीटर खत्म होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो हमें तो यहां पर आधा रोटेशन निकालना है, हमें कितना निकालना है, आधा रोटेशन निकालना है, तो आधे रोटेशन के लिए कितनी सर्कमफ्रेंस खर्च होगी, आधी खर्च होगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम बेसिकली इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो पर रोटेशन है, 88 सेंटीमीटर पर रोटेशन ही तो है, ये सर्कमफ्रेंस का मतलब यही तो होता है, तो 88 सेंटीमीटर पर रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई हाफ रोटेशन पर सेकेंड, तो रोटेशन से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड बचने वाला कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड, ओके। तो आंसर इसका बेसिकली क्या हो जाना है, ये बी हो जाना है। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव वेलोसिटी से या लीनियर वेलोसिटी वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, दैट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हम किसी और क्वेश्चन में समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सादे तरीके से समझ लिया। आई होप द आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।